हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे डिवाइस रहता है ओप्पो का, तो आप अपने ओप्पो के फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिंपली दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट को सेटअप करना है तो सेटअप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस मेरे यहाँ पे शो कर रहा है मेरा जो ओप्पो का फ़ोन रहता है। तो यहाँ से जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स को क्लिक कर लिया और इस तरह का इंटरफेस सेटिंग्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे देखने को मिलता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग्स की सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो गया शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे थिएटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पर्सनल हॉटस्पॉट पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, पर्सनल हॉटस्पॉट जो कि आपका यहाँ पे, इसके अंदर हॉटस्पॉट सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओप्पो हॉटस्पॉट का मेरा ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जो है इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे नेम को चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एनीमे टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लेंगे। तो मैंने चेंज कर लिया और यहाँ पे ए पी बैंड 5GHz पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। जैसे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका जो हॉटस्पॉट का सेटिंग है यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा, जो कि आपका सेटअप हो चुका है हॉटस्पॉट पूरी तरीके से। और इनेबल करने के लिए सिंपली क्लिक करना है आपको, आपका हॉटस्पॉट इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से QR कोड भी यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।